महाराष्ट्र का संत समागम है अगले महीने, उसका भी इनॉग्रेशन रूप अभी यहाँ पे हुआ और अभी से ही इतनी सेवाएं चल रही हैं जो समागम के लिए हैं, और आने वाले समय में वो सेवाओं ने भी बढ़ना है, जहाँ जहाँ वहाँ आपके उत्साह ने भी बढ़ना है, और समागम के लिए सब भी तन मन धन के रूप से अपनी सेवाएं अर्पण करें, और ये प्रभु निरंकार का गुणगान, ये जो जागृति है ज्ञान रूपी, ये घर घर पहुँचाएँ। सात संगत जी प्यार से कहना समागम, आप जैसे अभी कहा कि ये 52nd संत समागम है महाराष्ट्र का, तो पिछले इतने बरसों से ही यहाँ पे मानवता का समुद्र दिखाई देता है, किस तरह प्यार की गंगा बहती है यहाँ पर, किस तरह से मानव मानव का सत्कार करता है, ये संदेश लेकर बरसों बरस से यहाँ पर संत समागम हो रहे हैं। वेन्यू बदलते गए, लेकिन अब पिछले कुछ बरस से इसी वेन्यू पर यह संत समागम हो रहा है, तो आज का भी यही संदेश है सदगुरु का कि हम इंसान हैं तो इंसान बनकर रहें, और ये मानवता का संदेश जन जन तक पहुँचाएँ, ये प्यार का संदेश हम हर एक तक पहुँचाएँ कि हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं, और इसी तरह से हमने एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे का कार्य करना है। आज भी जो लाखों की गिनती में आप देख रहे हैं यहाँ पे संत महात्माएँ हैं, सेवा दल महात्मा हैं, वो इसी कारण की, ताकि जो आने वाले महासंत महात्मा दूर दूर से अलग अलग प्रदेशों से भी आने वाले हैं, स्टेट्स के विदेशों से भी आने वाले हैं, उनको कोई कठिनाई ना हो, उनके इंतज़ाम में सब बिल्कुल सही हो, ठीक हो, ताकि वो भी यहाँ से बहुत ही आनंद पूर्वक माहौल से और आशीर्वाद लेकर जाएं, यही इस समागम का उद्देश्य है। तो यही मैसेज एक यूथ के लिए है कि उनके पास अब एक टारगेट है, उनके पास एक दृश्य है, उनके पास एक राह है कि वो इस राह पर चलते जाएंगे जो सही है, जो मिशन के असूलों के साथ, हम जैसे मानवता की जिक्र हुआ, प्यार का जिक्र हुआ, भाईचारे का जिक्र हो रहा है, तो यूथ भी इस राह को अपनाएगा, ताकि वो अपनी जितनी एनर्जी है वो अच्छी जगह पर लगाएगा। और ये आपने देखा, चाहे उन्होंने गाकर या स्किट्स के द्वारा या बोलकर किसी तरीके से भी मैसेज दिया, लेकिन मैसेज से मानवता का था, वननेस का था, ह्यूमैनिटी का था। कि जनवरी में 25, 26, 27 जनवरी को ये 52वां निरंकारी संत समागम पूरा होने जा रहा है, जिसपे 28 तारीख को एक सामूहिक विवाह भी रखा गया है, जिसपे कम से कम 100 से ऊपर 150 के लगभग इसके बीच में शादियाँ यहाँ होनी है। और जो उद्देश्य की बात है, सेवाओं के बारे की बात है, उद्देश्य तो आप जानते ही हैं कि हम लोगों का कुछ भी बनो मुबारक है, पर सबसे पहले इंसान बनो। तो निरंकारी मिशन इंसान बनाने का एक बहुत बड़ा, इंसानियत के राह पर चलने के लिए इस तरह का आयोजन समय समय पर करते रहता है। इन्हीं आयोजनों में से एक आयोजन हर जनवरी महीने में, हर वर्ष के जनवरी महीने में होता है। यहाँ पर जो आने वाले लोग होते हैं, तो कम से कम नहीं तो लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं, तो उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था होती है, नहाने की व्यवस्था होती है, रहने की व्यवस्था होती है, 3 दिन तक समागम चलता है। तो इस तो सारी व्यवस्था ये करने के लिए हमारे वॉलंटियर्स हैं, सेवा दल के जवान हैं, हमारे प्रबंधक कमेटी है, ये सारे मिलके सब करते हैं, उसी की तैयारी इसकी शुरू होने जा रही है, और इसकी रूपरेखा भी आगे जो लेआउट होता है, प्लानिंग होता है, वो सारा कुछ बनने हैं। अभी तो NOS का आपका प्रोग्राम पूरा हुआ है, आगे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि महापुरुषों में उत्साह बहुत है, सबके उद्यत हैं कि हमारे बम्बई में लोग आ रहे हैं, इनका सत्कार सेवा हम कार्य से कर पाएं।